गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक, हजारों का नुकसान, मदद की लगाई गुहार। जालौन जनपद के कोच नगर कॉलोनी निवासी सरदार दयाराम कठेरिया के घर में बीती रात अज्ञात कारणों से आग लग गई है। मोहन सिंह ने बताया है कि हम लोग घर में सो रहे थे, वहीं पास में जानवर भी बंधे हुए थे। अचानक रात में आग लग गई, जिसमें मोबाइल, खाने पीने का सामान, कपड़ा आदि गृहस्थी का काफी सामान जल गया है, जिसमें हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया है कि मैंने 112 नंबर पर फोन किया, फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। आसपास के लोग, मोहल्ला वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ये क्या नाम है आपका? हमारा मोहन सिंह नाम है सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही नहर कॉलोनी के रहने वाले हैं, जो आशीर्वाद होटल के पीछे है। अच्छा, जो आज घटना हुई तो क्या कारण हुई, कैसे हुई घटना? ये घटना करीब 2 या 2:30 बजे के समथिंग की है। हम सभी लोग सो रहे थे, अचानक देखा कि ऊपर से आग लगाई गई है, जिसमें आग की धुएं लपटे जलती हुई दिखाई दी। हम लोग सारे लोग बाहर निकले और आग पे पानी काबू किया। इसी दरमियान हमने फ़ोन भी लगाया, 112 लगाया, 101 लगाया, किसी कॉल, कोई कॉल कनेक्ट नहीं हुई। हमारे मोहल्ला वासियों के मदद से हमने आग पे काबू पाया। अच्छा जी, बताइए आपका सामान कितना जलाया, क्या का सामान जलाया? उसमें गृहस्थी का सामान रखा हुआ था, हम लोग उसी में जानवर और खुद लेटते थे। इसमें हमारा छोटा भाई धर्मेंद्र था, लेटा हुआ, उसका पूरा बेड था, उसमें बेड जल गया है। गेहूं रखे थे, गेहूं जले हैं, और भी कीमती सामान था, सिलेंडर जो है फटा नहीं है, लेकिन वो जला है क्योंकि उसमें गैस नहीं थी। मोबाइल था 10,000 करीब का, वो भी जला है, और जो भी गृहस्थी का सामान थे, भूस था, छपरा था जो बना हुआ था, सारी लकड़ी। टोटल लागत कितनी होगी? 40,000 के समथिंग जो है नुकसान हुआ है रात को।